नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी साथियों को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने एक नया इनिशिएटिव करंट अफेयर का शुरू किया है, जिसमें हम घटना चक्र समसामयिक की जो है वाय दृष्टि की जो बुक है 2024 वाली, जिसमें पूरा ईयरली करंट अफेयर है इन्वॉल्व है, उसको हम पढ़ा रहे हैं। इसका पहला वीडियो हमने एक दिन पहले, कल नहीं मतलब कि एक दिन पहले आपको डाला था। तो हमने आपको बताया कि चार वीडियोस आएंगे एक हफ्ते के अंदर, जैसे मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है। लेकिन ट्यूसडे का वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि मैं उस दिन गया हुआ था, वीडियो का जो डीवी था उसके लिए मैं लखनऊ गया था, इसीलिए वो वीडियो नहीं आ पाया, ठीक है। तो अब थर्सडे और फ्राइडे का आपका वीडियो इस हफ्ते आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो उसी क्रम में यह आगे है वीडियो पिछले। अब आपको पता होगा कि हमने डिसाइड किया कि पाँच टॉपिक को हम सेलेक्ट करेंगे और पांच टॉपिक को हम एक वीडियो में करने की कोशिश करेंगे, जिसका वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा ना रहे और 10 से 12 मिनट का वीडियो हो ये, ठीक है। तो ये है आपका 1 सितंबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक का इसमें करंट अफेयर समाहित है। यह जो आपकी करंट अफेयर क्लास है, आगामी पेपर UPSC का, चाहे PCS का एग्जाम हो, चाहे RO 2023 का एग्जाम हो जो प्री का होने वाला है, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपको पता होगा, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से रिवीजन करना है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है हम अंडरलाइन कर देते हैं, तो आप उसको भी पढ़ के चले जाएंगे बाद में लास्ट टाइम में, तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास को। पांच पॉइंट्स हमने कर लिया था पिछली वीडियो में, अब हम पाँच पॉइंट्स के आगे बढ़ेंगे आज क्लास में, ठीक है। तो ये आपको तीसरा नमो रैपिड रेल तक हो चुका था, ठीक है। तो आज से हम पांच पॉइंट आज के हमारे हैं। सर्वप्रथम आपको पांचों पॉइंट बता देता हूँ कि कौन से पांच पॉइंट पढ़ने हैं हमको, उसके बाद हम इसको विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो पहला, मिशन मौसम क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 का रिपोर्ट आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ेंगे, कौन सा शहर किस स्थान पर है। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन नेचर की मान्यता, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। उसके बाद 23वां विधि आयोग, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम डिजिटल कृषि मिशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिजिटल कृषि मिशन के साथ पढ़ेंगे तो हमारा पांच पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम पांच पॉइंट ही पढ़ेंगे क्योंकि अच्छे से हम पढ़ना है, तो पांच पांच पॉइंट हम पढ़ते रहेंगे और वीडियो भी छोटा रहेगा, आप लोग रिविजन करने में भी आसान रहेगा, ठीक है। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ज्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें, जिसका लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, चाहे UPSC से रिलेटेड, चाहे UPSSC रिलेटेड, या कोई भी एग्जाम हो UP का, उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है, तो सर्वप्रथम आपको टेलीग्राम के माध्यम से ही सूचित किया जाता है, या कोई इंपॉर्टेंट नोट्स डालने होते हैं या PDF डालना होता है, तो सर्वप्रथम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से ही बताया जाता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज क्लास को। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नमो भारत रैपिड रेल का, तो पढ़ चुके थे हम, इसका उद्घाटन हुआ है। अब मिशन मौसम, ठीक है, 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मिशन मौसम को स्वीकृति दी गई है, ठीक है। दो वर्षों के लिए इस मिशन हेतु 2000 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा। इसका उद्देश्य है हर मौसम के लिए अधिक तैयार और जलवायु स्मार्ट भारत का निर्माण करना, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, हर मौसम के लिए अधिक तैयार और जलवायु स्मार्ट भारत का निर्माण करना। कितना व्यय इसमें, 2000 करोड़ रुपए का, दो वर्षों के लिए योजना है मिशन मौसम, और इसको किसने शुरू किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इसको शुरू किया गया है, ठीक है। मिशन मौसम मुख्य रूप से केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का है, ठीक है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन यह कार्यरत रहेगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के निम्न तीन संस्थान इस मिशन को मुख्य रूप से कार्यान्वित करेंगे। तो जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है उसके तीन संस्थान हैं, वो तीनों मिलकर इस मिशन को संचालित करेंगे। पहला क्या है, भारत मौसम विज्ञान विभाग। पहला कौन सा संस्थान है, भारत मौसम विज्ञान विभाग। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे। और तीसरा क्या है, राष्ट्रीय मध्य अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र कहाँ पे है, नोएडा में। अब देखिए सबसे ज्यादा दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, यहाँ पे GS का क्वेश्चन ये दो बन गया, इस करंट अफेयर का नहीं, GS का बन गया। कैसे, आपसे एक कूट आएगा, कूट में मिलाने के लिए पूछ सकता है कि भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, और आगे लिख देगा पुणे या मुंबई लिख देगा, तो आपको पुणे लगाना है वहाँ पे, ठीक है। राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र कहाँ पे है, तो नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो नोएडा उत्तर प्रदेश, दो क्वेश्चन इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये GS के क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मिशन मौसम की परिकल्पना एक बहुआयामी और परिवर्तनकारी पहल के रूप में की गई है। मिशन मौसम उच्च प्रसिद्धता के साथ मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए एक नया मानक स्थापित करेगा, ठीक है। इसके लिए इस मिशन के साथ उन्नत अवलोकन प्रणालियां, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और AI एवं मशीन लर्निंग जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को स्वीकृति किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
अब देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि यह मिशन, देखिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लगा हुआ है तो इसको आप इम्पॉर्टेंट ही रखेंगे, यह मिशन मौसम की चरम घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में नागरिकों एवं अन्य हितधारकों की मदद करेगा। जैसे कि आपको अगर पूर्वानुमान हो जाए कि आंधी आने वाला है या तूफान तेज आने वाला है तो आप सजग हो जाएंगे, पहले से कुछ अपने व्यवस्था कर लेंगे सेफ्टी की, ठीक है। तो उसके लिए ये पहले से आपको हितधारकों को बताने का कार्य करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनना है, ठीक है। आर ओ आर चाहे पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन से बनना है, ठीक है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 वर्ष 2019 में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम लॉन्च किया गया, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम के तहत अगले 5 वर्षों में पार्टिकुलेट मैटर जो कि पीएम जिसको कहा जाता है, पार्टिकुलेट मैटर अर्थात पीएम 10 एवं पीएम 2.5 के स्तर को 20-30% की कटौती करना, ठीक है। तो पीएम 10 और पीएम 2.5 के जो कण है पार्टिकुलेट मैटर के, उसको 20-30% तक कम करना है, इसका लक्ष्य है 5 सालों में। NCAP के तहत वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु 130 शहरों को लक्षित किया गया। तो इसमें कितने शहरों को चुना गया है? 130 शहरों को लक्षित किया गया है कि यहाँ का पीएम 10 और पीएम 2.5 के नेचर को सुधार करना है, उसमें कमी लाना है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण केंद्रीय पर्यावरण एवं जल वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता के आधार पर 130 NCAP शहरों में रैंकिंग तैयार करना है। तो जो इसका ये जो है आपका क्या कहा जाता है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, जो 130 शहर जो चयनित किए गए हैं उसी में आपको रैंकिंग देता है यह सर्वेक्षण जो है, कि कौन सा शहर सबसे अच्छा है, कौन सा खराब है, कौन सा मीडियम स्तर पर है। तो 130 शहरों में रैंकिंग मिलती है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के तहत शहरों की रैंकिंग तैयार करने के लिए उन्हें जनसंख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि 130 शहरों को निम्न तीन श्रेणियों में जोड़ा गया है, ठीक है। तो पूछ सकता है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के तहत कितनी श्रेणियाँ बनाई गई हैं? तो 3 श्रेणियाँ बनाई, कौन कौन सी हैं? एक श्रेणी है श्रेणी 1, श्रेणी 2 और श्रेणी 3। तो श्रेणी 1 में 47 शहर है, श्रेणी 2 में 43 और श्रेणी 3 में 40 शहर। तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है कितने शहर हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है कि श्रेणी 1 के तहत कितनी आबादी है। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या अगर कहीं पे है तो वह श्रेणी 1 में शामिल है। 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या है तो श्रेणी 2 में शामिल है, और श्रेणी 3 में 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर शामिल है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि श्रेणी 1 में 10 लाख से ऊपर, श्रेणी 2 में 3 से 10 लाख और श्रेणी 3 में 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर को शामिल किया गया। ये पीसीएस का क्वेश्चन बनेगा, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन इसमें बन सकता है, आर ओ के प्री के एग्जाम में चाहे पीसीएस के प्री के एग्जाम में बनना संभावित है, ठीक है। प्रत्येक श्रेणी में सबसे प्रदर्शन करने वाले में शीर्ष 3 शहरों को चुनता है। इस शहरों को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर की उपाधि से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर के उपाधि से भी सम्मानित किया जाता है। स्मरणीय तथ्य, 7 सितंबर 2000, देखिए अब इम्पोर्टेंट ये है, 7 सितंबर 2024 को जयपुर में नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, देखिए नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के परिणामों को जारी किया गया है, ठीक है। इसमें केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस सर्वेक्षण को जारी किया। तो पूछ सकता है ऐसे स्टेटमेंट में कि इस सर्वेक्षण को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जारी किया, तो ये गलत होगा स्टेटमेंट, क्योंकि भूपेंद्र यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से जारी किया, तो दोनों का नाम होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के विभिन्न श्रेणियों में 3 शहर, ठीक है। तो विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष शहर कौन से हैं? श्रेणी 1 में आपका सूरत पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पर जबलपुर है और तीसरे पे आगरा है। तो श्रेणी 1 में आपको पता ही होगा कि 10 लाख से ऊपर जिसकी आबादी है, तो पहले पे सूरत गुजरात का, जबलपुर मध्य प्रदेश का दूसरे नंबर पे, और आगरा अपना उत्तर प्रदेश का तीसरे नंबर पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, श्रेणी 2 में जो 3 लाख से 10 लाख के बीच में आबादी जिसकी है, तो पहले नंबर पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पर अमरावती महाराष्ट्र की है, और झांसी आपका तीसरे नंबर पे है श्रेणी 2 में, ठीक है। श्रेणी 3 में सबसे नंबर 1 पे है जो कि 10 लाख से कम आबादी वाले शहर है, तो श्रेणी 3 में रायबरेली उत्तर प्रदेश का पहले नंबर पे है, नलगोंडा तेलंगाना का दूसरे नंबर पे है, और नालागढ़ हिमाचल प्रदेश का तीसरे नंबर पे है, ठीक है।
अब इसमें देख लेते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है। तो उत्तर प्रदेश की पहले नंबर पर कौन है? आगरा। दूसरे नंबर पर लखनऊ। तीसरे नंबर पर कानपुर। अगर समग्र रैंकिंग में देखा जाए तो तीसरा, चौथा और पांचवा स्थान का है, ठीक है। समग्र रैंकिंग में तीसरा, चौथा, पांचवा स्थान है। या कि अगर उत्तर प्रदेश की रैंकिंग में देखा जाए तो पहले पे आगरा, दूसरे पे लखनऊ और तीसरे पे कानपुर शहर स्थित है, ठीक है, श्रेणी वन में, ठीक है। अब श्रेणी दो में कौन है? श्रेणी दो में आपका फिरोजाबाद पहले पे, दूसरे पे झांसी और तीसरे पे गोरखपुर है। और ओवरऑल रैंकिंग में 1, 3 और 4 इनकी रैंकिंग है, ठीक है। श्रेणी तीन में पहले नंबर पर शहर कौन सा है? तो श्रेणी तीन में आपका रायबरेली पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे अनपरा है और खुर्जा अलीगढ़ का तीसरे नंबर पे है, ठीक है। अगर ओवरऑल रैंकिंग में देखा जाए तो रायबरेली पहले नंबर पे ओवरऑल में भी है, लेकिन अनपरा 13वें नंबर पे है और खुर्जा अलीगढ़ का 16वें नंबर, खुर्जा अलीगढ़ नहीं, खुर्जा बुलंदशहर 16वें नंबर पे, ठीक है। तो रायबरेली, अनपरा और खुर्जा श्रेणी तीन में है। श्रेणी दो में कौन से है? फिरोजाबाद, झांसी और गोरखपुर है। और श्रेणी वन में आगरा, लखनऊ एवं कानपुर शहर स्थित है, ठीक है। तो ये आपको ये हो गया, इसको आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत मिशन को नेचर की मानता, नेचर की मानता क्या है? 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया स्वच्छ भारत मिशन भारत में सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने की दिशा में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन स्वच्छता कार्यक्रम में से एक है। यह मिशन देश भर में घरेलू शौचालय उपलब्ध कराने के माध्यम से देश को खुले में शौच मुक्त ODF करने का केंद्रित है। यह अद्वितीय कार्यक्रम अब देश में संपूर्ण स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए रूपांतरित हो गया है। यह क्या स्मृति तथ्य 2 सितंबर 2024 को विश्व के अग्रणी बहुविषयक विज्ञान जर्नल नेचर में एक लेख प्रकाशित किया गया। नेचर में एक लेख प्रकाशित हुआ है, तो क्या प्रकाशित हुआ है देख लीजिए। इस लेख का शीर्षक स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण और भारत में शिशु मृत्यु दर के ऊपर, मतलब कि इन दोनों के बीच में इन्होंने तुलना किया है। जो नेचर पत्रिका है उसने बताया है कि अगर स्वच्छता बढ़ रही है तो शिशु मृत्यु दर कम हो रही है, ठीक है। उल्लेखनीय है कि नेचर द्वारा स्वच्छ भारत मिशन और भारत में नवजात शिशु मृत्यु दर एवं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर के मध्य संबंध का उद्देश्य से एक प्रायोगिक अध्ययन संचालित किया गया। मतलब एक प्रयोग किया है नेचर मैगजीन ने कि अगर स्वच्छता बढ़ रही है स्वच्छ भारत मिशन से तो जो शिशु मृत्यु दर है वो कम हो रहा है, चाहे वो 5 वर्ष से छोटे लड़के हों और चाहे जन्मजात लड़के हों, ठीक है। इस अध्ययन के तहत शिशु एवं बाल स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ भारत मिशन के लाभों की पड़ताल की गई थी। इस अध्ययन में एक दशक की अवधि में 35 भारतीय राज्यों के शासित प्रदेशों के 600 जिलों के आंकड़े का विश्लेषण किया गया, 640 जिलों के आंकड़े का। इस अध्ययन के अनुसार ऐतिहासिक रूप से भारत में शौचालय तक पहुंच और बाल मृत्यु दर में विपरीत संबंध पाया गया। अब एक स्टेटमेंट बता सकता है, खाली आपको UPPC चाहे RO के एग्जाम में एक स्टेटमेंट देगा कि भारत में शौचालय तक पहुंच और बाल मृत्यु दर में विपरीत संबंध पाया गया है। बस एक एक स्टेटमेंट दे देगा और दूसरा कोई भी दे देगा कि यह पहले देख लेगा, देखिए कथन कार्ड का क्वेश्चन देगा, पहले कथन में दे देगा स्वच्छ भारत मिशन के बारे में और दूसरा कार्ड दे देगा कि ऐतिहासिक रूप से भारत में शौचालय में बहुत पहुंच में बाल मृत्यु और विपरीत संबंध पाया गया है, ठीक है। तो आपको दे देगा, आपको बताना होगा कि कार्ड सही है कथन सही है, ठीक है। तो आपको बताना होगा कथन कार्ड दोनों सही है, आपस में वो अपन में संबंध भी बनाते हैं, ठीक है। तो सीधा मतलब है कि स्वच्छता बढ़ रही है तो बाल मृत्यु दर कम हो रहा है, ठीक है। इस अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि जिला स्तर पर शौचालय तक पहुंच प्रत्येक 10% बिंदुओं की वृद्धि में IMR के औसतन 0.9% बिंदुओं तक की कमी हो रही है, ठीक है। SBM के अंतर्गत 30% से अधिक शौचालय कवरेज वाले जिलों में प्रति हजार जीवित जन में IMR में 5.3 और U5MR में 6.8 की कमी दर्ज की गई है। SBM स्वच्छ भारत मिशन के तहत बड़े पैमाने पर शौचालय के प्रावधान में प्रति वर्ष लगभग 60,000 से 70,000 नवजात शिशुओं के जीवन रक्षा करने के लिए योगदान दिया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 60,000 से 70,000 शिशु प्रति वर्ष बच रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन से, ठीक है। नेचर द्वारा संचालित अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि परिवर्तनकारी स्वच्छता कार्यक्रम के कार्यान्वयन में निम्न और मध्यम आय वाले देशों में आबादी स्वस्थ लाभ प्राप्त हो सकता है, ठीक है। अब देख लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। स्वच्छता ही सेवा अभियान, तो एक अभियान शुरू किया गया है, स्वच्छता ही सेवा अभियान। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 में 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक शुरू किया गया, ठीक है। तो स्वच्छता ही सेवा अभियान कब शुरू किया गया? 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक शुरू किया गया है। स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन प्रतिवर्ष स्वच्छ भारत दिवस
2 अक्टूबर 2024 से पहले किया जाता है स्वच्छ भारत दिवस। इस अभियान का आयोजन आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 पर केंद्रीय विषय कौन सा है? तो देखिए जो इनका केंद्रीय थीम है स्वच्छता ही सेवा अभियान का, ये है स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। तो 4S इसका इनकी थीम क्या है जो केंद्रीय विषय इनका है? स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। तो पूछ सकता है कि स्वच्छता ही सेवा अभियान का थीम क्या है? तो स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, इसको क्या बोलते हैं? 4S। तो स्वभाव का यश, स्वच्छता का यश, संस्कार का यश और स्वच्छता का यश, तो 4S स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। ठीक है, तो ये आपका हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, 3 पॉइंट आपका कवर हो गया। अब चौथी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, 23वां विधि आयोग। तो भारत में विधि आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना द्वारा इसका गठन किया गया था। ठीक है, स्मरणीय तत्व क्या है? 2 सितंबर 2024 को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा भारत के 23वें विधि आयोग का गठन हेतु एक अधिसूचना जारी की गई है। तो कब जारी की गई है? 2 सितंबर को यह अधिसूचना जारी की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 साल के लिए 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक की अवधि के लिए 23वें विधि आयोग का गठन मंजूरी दी है। भारत के 23वें विधि आयोग के निम्न शामिल होंगे, 1 पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा, 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, सचिव विधि कार्य विभाग पदेन सदस्य के रूप में होगा, सचिव विधायी विभाग पदेन सदस्य के रूप में होगा और 5 अंशकालिक सदस्य होंगे। तो ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन बना सकता है ये कि निम्नलिखित में से 23वें विधि आयोग के संबंध में कौन सा सही नहीं है। इसमें 1 पूर्णकालिक सदस्य होगा, दूसरा स्टेटमेंट देगा इसमें 5 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, तो ये गलत होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये बना सकता है, फॉर्म कर सकता है। तो देखिए इसमें 1 अध्यक्ष होगा पूर्णकालिक, 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, सचिव जो विधि एवं कार्य विभाग का होगा वो पदेन सदस्य होगा, सचिव विधायी विभाग का जो होगा वो पदेन सदस्य होगा और इसमें 5 अंशकालिक सदस्य भी होंगे। ठीक है, विधि आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ध्यानतव्य है कि 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक समाप्त हो गया। ठीक है, तो जो 22वां आयोग है उसका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया है। जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त ऋतुराज अवस्थी, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, जो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी थे 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे, जिसका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया। ठीक है, आपका 4 पॉइंट क्लियर हो गया। अब 5वें पॉइंट की तरफ चलते हैं, डिजिटल कृषि मिशन। तो भारत के डिजिटल क्रांति द्वारा किसी क्षेत्र में रूपांतरित करने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक संरचना निर्माण की घोषणा की गई है। तत्पश्चात केंद्रीय बजट 24-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में अगले 3 वर्षों में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक संरचना अवसंरचना लागू करेगी। इस पहल के तहत किसानों को उनकी भूमि को आच्छादित दिया जाएगा। इस वित्त वर्ष में DPI का उपयोग करके 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। ठीक है, 400 जिलों में किया जा रहा है। इसका लक्ष्य 6 करोड़ किसानों को उनकी भूमि के विवरण के साथ रजिस्ट्रिया के अध्यतन करना है। ठीक है, तो स्मरणीय तथ्य क्या क्या है? 2 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार ने डिजिटल कृषि मिशन की मंजूरी दी है। कब शुरू किया गया? 2 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार ने डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है। इसका व्यय कितना है? कुल व्यय कितना है? 2817 करोड़ इसका कुल व्यय है। इस मिशन का डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में आधारित है। इस मिशन के तहत किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में डिजिटल कृषि मिशन का उद्देश्य है एक ही मंच पर समेकित डाटा विश्लेषण, मतलब इसका मिशन यही है कि जो किसी संबंधित सारे डाटा हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म में आ जाएं, कि ये खसरा है, खतौनी है, कौन सा फसल बोया गया, कितना रकबा है, किस किसान का नाम है, सब एक ही साथ आ जाए। ठीक है, इसमें कई डाटाबेस और अलग अलग प्लेटफॉर्म के रखरखाव की आवश्यकता नहीं है। इसके फलस्वरूप किसान अपनी डिजिटल पहचान सुनिश्चित करने और प्रमाणित करने में सक्षम हो जाएगा तथा विभिन्न लाभों एवं सेवाओं को प्राप्त कर सकेगा। ठीक है, अब यहाँ पर डिजिटल कृषि मिशन मूलभूत स्तंभ क्या क्या है? डिजिटल कृषि मिशन में को एक व्यापक योजना अम्ब्रेला स्कीम के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें विभिन्न डिजिटल कृषि समर्थन प्रदान किया जाएगा। मिशन में निम्न 2 मूलभूत स्तंभ हैं। तो दो मूलभूत स्तंभ कौन कौन से हैं? इसमें याद रखना कि डिजिटल कृषि मिशन में 2 मूलभूत स्तंभ हैं।
एग्री स्टैक और दूसरा क्या है कृषि निर्गत सहायता प्रणाली। जो हमारे साथी जो मेरे साथ लेखपाल के पद पर चयनित हुए होंगे बहुत सारे पीसेस तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा एग्री स्टैक के बारे में, ठीक है। तो एग्री स्टैक के बारे में आपको पता होगा जो फसल सर्वे किया जाता है, ठीक है, खरीफ के सीजन में अभी हुआ था, अभी जो नवनियुक्त साथी होंगे हमारे साथी उनको पता होगा, ठीक है। एग्री स्टैक और कृषि निर्गत सहायता प्रणाली, इसके अंतर्गत इस मिशन में मृदा प्रोफाइलिंग मैपिंग को भी शामिल किया गया, ठीक है। तो जो मृदा का प्रोफाइल क्या है कि इसकी उर्वरा शक्ति क्या है, इसमें नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस क्या है, तो यही है मृदा प्रोफाइलिंग मैपिंग। और ये भी हो सकता है इसमें है कि कौन सी बंजर भूमि है, कौन सा ऊसर है, कौन सी काली मिट्टी है, कौन सी रेड मिट्टी है, ये सब भी इसमें किया जाएगा, ठीक है। उपयुक्त तीनों डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचनाएं किसान केंद्रित डिजिटल सेवाओं को सक्षम बनाएंगी। अब एग्रीस्टेक के बारे में देख लेते हैं। एग्रीस्टेक किसान की पहचान, इसके माध्यम से किसान केंद्रित डीपीआई के रूप में डिजाइन किया गया है। इसके माध्यम से किसानों को कुशलता, आसानी और तेज गति से सेवाएं एवं योजनाओं की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी। एग्रीस्टेक तीन प्रमुख घटक शामिल हैं, किसान रजिस्ट्री, भू संदर्भित गाँव के नक्शे, बोई की फसल की रजिस्ट्री। तीन चीज आता है, आपको पता होगा कि किसान रजिस्ट्री होगा, उसमें किसान का नाम होता है, उसका नक्शा होता है, और बोई गई कौन सी फसल है उसकी होती है। एग्री स्टेक के तहत किसान आईडी की शुरुआत की गई है। तो जो एग्री स्टेक है उसके तहत ही किसान आईडी का निर्माण होगा, ठीक है। तो किसानों के लिए एक अलग से आईडी बनाई जाएगी, किसान आईडी जो एग्री स्टेक हो रहा है उसी सर्वेक्षण से डाटा निकालकर किसान आईडी का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। आधार कार्ड की ही तरह अब किसानों को एक किसान आईडी प्रदान की जाएगी जो उनके एक विश्वसनीय डिजिटल पहचान के रूप में कार्य करेगी। इस किसान आईडी का सृजन और रखरखाव राज्य सरकारें और केंद्र सरकार करेंगी। यह किसान आईडी भूमि विलेखों, पशुधन स्वामित्व, बोई गई फसल और प्राप्त लाभ सहित विभिन्न किसानों के संबंधित डाटा जुड़ी होंगी। किसान आईडी के निर्माण में डिजिटल फसल सर्वेक्षण का परीक्षण करने के निम्न छह राज्यों को प्रायोगिक परियोजना से चल की गई, ठीक है। तो देखिए किसान आईडी निर्माण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण का परीक्षण करने के लिए निम्न छह राज्यों को में प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है, ठीक है। तो छह राज्यों में शुरू की गई है, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में शुरू की गई थी, गुजरात के गांधीनगर में, महाराष्ट्र के भीड़ में, हरियाणा के यमुनानगर में और पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में और तमिलनाडु के विरुद्धनगर में, ठीक है। तो छह राज्यों के कुछ जगह पे किसान आईडी बनाना शुरू किया गया, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, गुजरात के गांधीनगर में, महाराष्ट्र के बीड़ में, यमुनानगर हरियाणा में और पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में, ठीक है, और तमिलनाडु के विरुद्धनगर में। तीनों वर्षों के दौरान 11 करोड़ किसानों के लिए डिजिटल पहचान के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तो तीनों वर्ष के अंदर 11 करोड़ किसानों को डिजिटल पहचान पत्र का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। वित्त वर्ष 24-25 में 6 करोड़ किसानों को, वर्ष 25-26 में 3 करोड़ किसानों को और 26-27 में 2 करोड़ किसानों को फैमिली आईडी तैयार किया जाएगा। तो उसको याद रखना आपको कितने 2024-25 में कितने फैमिली आईडी बनाने हैं, 6 करोड़ फैमिली आईडी, 25-26 में 3 करोड़ और 26-27 में 2 करोड़ आईडी बनेंगे, ठीक है। 2 वर्षों के अंदर राष्ट्रव्यापी डिजिटल फसल सर्वेक्षण को लॉन्च किया जाएगा। इसमें वर्ष 22-23 में 400 गांवों को शामिल किया गया। कृषि निर्गत सहायता प्रणाली, यह प्रणाली फसलों, मिट्टी, मौसम और जल संसाधनों आदि की ओर सुदूर संवेदन आधारित जानकारी को एकीकृत करके एक व्यापक भू स्थापनीय प्रणाली का निर्माण करेगी। मृदा प्रोफाइल मैपिंग, इस मिशन के तहत देश भर के 142 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि 1:10,000 के पैमाने पर विस्तृत मृदा प्रोफाइल मानचित्र तैयार करने की परिकल्पना की जाएगी। इसके अतिरिक्त इस मिशन के अंतर्गत डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण, मतलब कितना अनुमान, कितना फसल में लागत हुई है या कितना उपज हुई है उसका अनुमान भी इसके साथ लगाया जाएगा। यह कृषि उत्पादन पर सटीक अनुमान लगाने का बहुत उपयोगी होगा, ठीक है। तो जो मैपिंग होगी मृदा मैपिंग के तहत पता लगाया जा सकता है कि इसमें मान लें कोई सॉइल है, मान लें एलुवियल सॉइल है, उसमें ज़्यादा होना चाहिए, लगभग छः क्विंटल होना चाहिए गेहूँ, लेकिन अगर उसमें 4 क्विंटल होगा तो उसी मैपिंग के माध्यम से बताया जाएगा कि इसमें क्या क्या और रसायन डालना चाहिए कि जो 6 क्विंटल तक पहुंच सके। तो मैपिंग के माध्यम से ही इसमें होगा और कृषि उत्पादन में सटीक अनुमान भी इससे निकाला जा सकता है, ठीक है। तो आपके ये आपके 5 टॉपिक जो भी आय दृष्टि करंट अफेयर के हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और अपना कुछ राय और सुझाव देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा लाइक करेंगे। इसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट बन गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आप सभी साथियों से अनुरोध है कि आप जो क्रॉनिकल मैगजीन की क्लास चल रही है उसको भी आप लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें, ठीक है। वो भी क्लास आपके UPSC के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है।
तो उसको आप लोग जरूर देखेंगे। हम आप हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखेंगे, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, इन्फॉर्मेशन आता है यूपीपीएससी प्री के संबंधित, सर्वप्रथम वहीं पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।